कांगड़ा चंबा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि रेल विभाग पठानकोट से लेह लद्दाख तक सेना के लिए अलग से रेल लाइन का निर्माण करेगा। भानुपल्ली बिलासपुर व पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन का मंडी में आपस में जोड़ने के बाद लेह लद्दाख तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंबा में सीमेंट उद्योग स्थापित करने की कवायद भी तेज हो गई है। शीघ्र ही यहां सीमेंट उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार के संस्थान मुहैया करवाए जाएंगे। यामिनी परिषद में आयोजित पत्रकार वार्ता में शांता कुमार ने कहा कि रेल मंत्री ने गलत घोषणा की है, बल्कि इसमें हल्की सी गलतफहमी जरूर हुई है। उन्होंने कहा कि पठानकोट रेल लाइन को लेह लद्दाख से जोड़ने का मामला कई वर्ष पुराना है। जब सरकार ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन को लेह से जोड़ने की योजना बनाई थी तो कांगड़ा व चंबा के दोनों सांसदों ने रक्षा मंत्री के साथ रेल मंत्री से मुलाकात की थी, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया था कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को मंडी तक बढ़ाया जाए। इस पर भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान की थी, जिसमें इस रेल मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बताया गया था। उन्होंने कहा कि पठानकोट कई मायनों में प्रमुख रेलवे स्टेशन है। पठानकोट का संपर्क दिल्ली, जम्मू व हिमाचल से एक साथ है। अंग्रेजों के समय में स्थापित सैन्य छावनियों की बात को भारत सरकार ने स्वीकार किया है। इस रेल लाइन के लिए 2 वर्ष पूर्व सर्वे के लिए धन स्वीकृत हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने माना है कि भानुपल्ली बिलासपुर पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को मंडी में मिलाकर लेह लद्दाख तक बढ़ाया जाएगा। शांता कुमार ने 16 सितंबर 2014 को डिप्टी सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर अरविंद गुप्ता की ओर से आए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को सुरक्षा की दृष्टि से ब्रांडग्रेस कर मंडी तक विस्तार की बात कही है। वहीं इसे भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन से जोड़कर लेह तक बढ़ाने की बात भी कबूल की थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने ब्रांडग्रेस करने में अधिक खर्च व कठिन बताते हुए इस योजना को खारिज कर विकल्प रास्ता अपनाने का आह्वान किया। इस पर रक्षा मंत्रालय से विस्तार चर्चा के बाद अलग रेल लाइन की विसात बिछाई गई, जिसे सैन्य छावनियों से जोड़ने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि इस योजना के बाद रेल लाइन को सर्वेक्षण किया गया। एक सर्वेक्षण पूरा हो गया तथा शीघ्र ही दूसरा सर्वेक्षण आरम्भ होगा, जिसमें कुछ बातें रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को तय करनी है। रक्षा मंत्रालय ने नई रेल लाइन की बात कही है, जिसे धर्मशाला व पालमपुर से जोड़ा जाएगा। सर्वे के लिए बजट का प्रावधान भी हुआ है। दोनों सांसद शीघ्र रेल मंत्री से मिलकर दूसरा सर्वे शुरू करने का आह्वान करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तर भारत में चीन के हस्तक्षेप को देखते हुए पुराने रेल मार्ग को यथावत रख नया रेल मार्ग को दूसरा सर्वे शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा को सही करार देते हुए कहा कि इसमें कुछ गलतफहमियां थी जो अब स्पष्ट हो चुकी हैं। ये जो लेह लद्दाख को पठानकोट से जोड़ने का मामला है, ये कई वर्ष पुराना है। जब सरकार ने भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन की योजना बनाई, उसी समय मैं रामस्वरूप जी रक्षा मंत्री उस समय जो थे उनको मिले, लिखित रूप में हमने कहा कि पठानकोट से लेह लद्दाख को जोड़ना कई दृष्टियों से बहुत आवश्यक है। हमने ये कहा था जिस बात को भारत सरकार ने स्वीकार किया, हमने कहा पठानकोट उत्तर भारत का एक प्रमुख सेना का केंद्र है। पठानकोट एक प्रमुख रेलवे केंद्र है। पठानकोट से जम्मू कश्मीर, पठानकोट से हिमाचल, पठानकोट से दिल्ली, एक बात। दूसरा हमने कहा कि अंग्रेज के समय की जो सेना की छावनियां है इस क्षेत्र में, और हमारी बात को भारत सरकार ने स्वीकार किया, और उसके बाद पिछले साल के बजट में पठानकोट मंडी
मनाली ले लद्दाख रेलवे लाइन स्वीकृत हुई, सर्वे के लिए पैसा रखा और डिफेंस ने यह तय किया कि एक लाइन भानुपल्ली से और एक लाइन पठानकोट से, दोनों मंडी से आगे मिलेंगी, फिर मनाली ले लद्दाख को जाएंगे। शांता कुमार ने चंबा सीमेंट उद्योग का कार्य भी शीघ्र शुरू होने की बात करते हुए कहा कि उद्योगों के प्रति वर्तमान सरकार की नई पॉलिसी के आधार पर निवेशकों को राहत मिली है। उन्होंने उद्योग स्थापित करने के लिए नियमों में बदलाव के लिए उद्योग मंत्री का भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि चंबा को भारत के 25 पिछड़े जिलों में शामिल किया गया है। उन्होंने सरकार ने नए नियमों के अनुसार सड़क व अन्य सुविधाएं सरकार मुहैया करवाएगी, वहीं उद्योग स्थापना से संबंधित औपचारिकताएं भी सरकार को 6 माह में पूरी करनी होगी। सीमेंट उद्योग की टेंडर प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र ही निवेशकों को आवंटित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमेंट उद्योग का शिलान्यास शीघ्र करवाया जाएगा। इस पत्र की कुछ सीमेंट उद्योग के बारे में सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है और सबसे बड़ी बात के कुछ नए इंसेंटिव दिए हैं। वहां कई वर्षों से कोई बड़ी कंपनी नहीं आई, एक आई तो वापस चली गई। उसका कारण यह रहा कि जो सुविधाएं दी जानी चाहिए उस पर कमी थी। तो हम सब ने आग्रह किया था और मैं धन्यवाद करता हूं इंडस्ट्री मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने दोबारा से मीटिंग की और यहां तक कि कंपनियों से भी बातचीत की कि आपकी क्या तकलीफ है और अब उनको उचित इंसेंटिव दे दिया है। वहां जो सड़क बननी है वो सड़क सरकार बनाएगी, कुछ और सुविधाएं दे दी है तो मैं उसके लिए सरकार का, मुख्यमंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूं और टेंडर लगा दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि चंबा के सीमेंट उद्योग का काम जो वर्षों से किसी न किसी कारण से कटाई पे पड़ा था वो भी अब पूरा हो जाएगा। और क्योंकि चंबा भारत के 125 पिछड़े जिलों में शुमार हो गया है तो हमारा आग्रह है कि इसलिए भी चंबा के सीमेंट उद्योग का काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। शांता कुमार ने उच्चतम न्यायालय की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल व सांसद अनुराग ठाकुर के विरुद्ध मामले को निरस्त होने पर बधाई दी। वहीं सरकारों को बदले की भावना से कार्य न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस सरकार का निर्णय बदले की भावना से त्रस्त था। उन्होंने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल को टाल दिया। तो मुख्य रूप से दो बातों मुझे कहना था। एक और आज की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने धूमल जी और अनुराग के खिलाफ सारा मामला खत्म कर दिया है तो मैं इन दोनों को बधाई भी देता हूं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि सरकारें बदले की भावना से काम करती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला कर दिया तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जो भी निर्णय किया था बदले की भावना से किया था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुख्य रूप से तो ये दो। सर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपका क्या है इस बार? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, लड़ेंगे, जीतेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। अब चाय पिलाओ इनको।